फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स किचन। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम जिसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो चलिए आज हम इसी की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे और 1 चम्मच ज़ीरा और कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने तेज़पत्ता, गोल मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। और अब हम 2 मीडियम बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट करके ले लेंगे और इसे भी हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। और हमें इसे गैस का फ्लेम फास्ट करके बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो चलिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, जब तक हम आगे के प्रोसेस में एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। उसमें हम 2 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ले ली हैं और इन्हें हम ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें यहाँ पर मैं 2 बड़े टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है, इसे भी हम इसी में ही ऐड करके इसका अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हमारा पेस्ट बना लेते हैं। और आगे के प्रोसेस में हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें इस पेस्ट को ऐड कर लेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है हरे धनिया टमाटर का। और इसे हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। तो इसे हम पकाने के लिए इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा, मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। तो चलिए अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक के साथ, जिससे हमारे टमाटर जो हैं बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स करते हुए इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ गैस का फ्लो मीडियम करके हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है और ऑयल भी रिलीज होने लगा है। चलिए अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और कुछ सूखे पाउडर, जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो ज़ीरा पाउडर आप 1/2 चम्मच ही लीजिएगा, वरना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, और हमें ये सूखे पाउडर मसाले भूनने हैं। तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप ही रखना है, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ हमें चलाते हुए इसे मिक्स कर देना है और कवर करके इसे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए इसे हम कवर करके 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले देखिए बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है, बहुत ही अच्छे से भुनी भुनी खुशबू भी आने लगी है मसालों में। तो यानी यहाँ पर हमारे मसाले, सारे पाउडर मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें 1.5 गिलास तक पानी ऐड करना है, जिससे कि हमारे मसाले और ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है, जिससे कि ग्रेवी बहुत ही अच्छे से थिक बनेगी, ना ही ज़्यादा पतला रहेगा और ना ही ज़्यादा थिक रहेगा। तो इस तरह की हमने पानी ऐड किया है 1.5 गिलास और इसे कवर करके हम 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी में बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है और बहुत ही अच्छे से देखिए आप, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच हम यहाँ पर रोस्ट किया हुआ कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से एक उबाल आ जाने देंगे। और अब हम इसमें जो हमने अंडे लिए हैं
तो यहाँ पर हम 6 अंडे ऐड कर रहे हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम हल्के हाथों से चलाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे ग्रेवी में, जिससे ग्रेवी में ये मिक्स हो जाए और फ्लेवर आ जाए अंडे में। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे। और देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी और अंडे सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत ही अच्छी एग करी बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये देखिए हमारे एग करी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही अलग स्टाइल में मैंने बनाई है।